ताजा हालात क्या है बताने के लिए ग्राउंड से ही मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त ऐसे मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो वहीं मणिपाल हॉस्पिटल से मेरे साथ पल्लवी झा जुड़ गए। विनय, सबसे पहले आपके पास आते हुए दिल्ली में जो लॉकडाउन लगाया गया है 6 दिनों का, इस पर पूरी कंप्लीट पिक्चर News24 पर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। ऐसे में जरा बताइए कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त क्या तस्वीर है, किस तरह की सख्ती? देखिए, मैं आपको तस्वीर बताने की बजाय अगर मैं दिखाऊं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरे पीछे देख लीजिए, सन्नाटा पसरा पड़ा है, जो कि इस समय तक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ होती है, लेकिन टोटल सन्नाटा पसरा पड़ा है। बिल्कुल यहाँ पर कोई नहीं है, गार्ड जरूर बैठा हुआ है, लेकिन उसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन, जो और मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो और 4 मेट्रो स्टेशन और बंद कर दिए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, MG रोड, ये मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी आवाजाही न रहे। हालांकि दरअसल सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे, ये पीक आवर में सिर्फ 4 घंटे कर्फ्यू के दिनों में ये 4 घंटे मेट्रो चलेगी, और वो इन 4 घंटों में भी 30 मिनट के अंतराल पर रहेगी। यानी कि मेट्रो ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल जरूर रही है, लेकिन नाम के लिए मेट्रो जो है उसमें सिर्फ 30 मिनट के अंतराल पे वो चलेगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, तो उसमें लोग कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। यानी कि प्रशासन का साफ था कि लोग मेट्रो में भी ना जाएं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए मेट्रो है, वो भी सिर्फ सुबह, अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, सिर्फ ये 4 घंटे, वो भी 30 मिनट के अंतराल पर। जो नई दिल्ली स्टेशन है, चांदनी चौक स्टेशन है, कश्मीरी गेट है, यहाँ पर एंट्री भी बैन कर दी गई है, एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एग्जिट है वहां पर। तो कुल मिला के मेट्रो का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो मेट्रो का पार्ट था उसको भी बहुत सख्ती के साथ लागू किया गया है, और उसमें जहां तक देखने को मिल रहा है मेट्रो स्टेशन पे लोग कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे कोई नजर नहीं आ रहा। एक शख्स आए हैं, अभी अभी आए हैं ये। आप कहां से आए हैं? यूपी से आए। मेट्रो से आए? यस। कितनी भीड़ है मेट्रो में अंदर? बिल्कुल नहीं, भीड़ कम है किसी किसी ट्रेन में, सभी ट्रेन में। कहाँ से पकड़ा था आपने ट्रेन? मैंने आनंद विहार से पकड़ा था। आनंद विहार से? तो वहाँ पे कितने देर में आई थी ट्रेन? आधे घंटे के अंतराल पे आई थी। ये एक पैसेंजर हमें सुबह से, हम यहाँ खड़े हैं, सिर्फ एक ये पैसेंजर हमें नजर आया। तो कुल मिला के कर्फ्यू जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट में मेट्रो का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार चाह रही थी, प्रशासन चाह रहा था कि भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, ये जो कोरोना की चेन है वो ब्रेक हो, तो वो इस तरीके से मेट्रो में कम से कम। देखिए विनय, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की, जहां पर अमूमन इस वक्त बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, कमोवेश ऐसी ही स्थिति आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। केजरीवाल के लॉकडाउन के ऐलान के बाद मजदूरों का पलायन जारी हो गया, कंधों पर झोला बैग लटकाए हजारों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। सबके दिल में खौफ था, सबके मन में घर भागने की चिंता थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर, और बाहर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि सिविल डिफेंस के तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए यात्रियों की भीड़ जो है लगातार स्टेशन परिसर के भीतर प्रवेश कर रही है। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर जरूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर जरूर जो है पालन कराते यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पर किया जा रहा है, उनसे हम बात करते हैं। किस तरह से जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ, कैसे काबू कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अब इसलिए हम सबसे बोल रहे हैं कि दूरी बनाकर चलिए और प्रॉपर मास्क होने चाहिए, और जल्द से खाली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चालान भी आप लोग काट रहे हैं? सर नो चालान, मास्क कोई चालान नहीं है अभी तो हम भीड़ खाली कर रहे हैं, ये प्रॉपर बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए सिविल डिफेंस के तमाम यहाँ पर जो लोग हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन लगातार जो है मजदूरों का पलायन जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। छोटे बच्चे को लेकर के या घर के सारे सामानों को लेकर के तमाम जो लोग हैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये जो लोग आपको दिखा रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, इनके पास जो है
वैलिड टिकट नहीं है, इसलिए स्टेशन परिसर के भीतर जो है इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिनके पास वैलिड टिकट होगा उन्हीं अंदर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अब जो है लॉकडाउन शुरू हो चुका है, अब भारी जो है चालान यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन जो भी लोग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जो वैलिड जिनके पास टिकट है उन्हें जो है जाने दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम लोग हैं इनके पास रेल टिकट नहीं होने के कारण जो है ये रेलवे परिसर के जो है बाहर बैठे हुए, तमाम पीछे की तस्वीरें आप देखिए, एक मॉब यहाँ पर जो है आ रहा है। ये वो मजदूर हैं जो पूर्वांचल के हैं, अब अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जो है स्टेशन परिसर के जो है अंदर जो है प्रवेश ये कर रहे हैं। यानी पिछले बार की तुलना में हालांकि इस बार सरकार ज़्यादा एक्टिव है, सिविल डिफेंस के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, और भरोसा भी दिया गया कि आप दिल्ली छोड़कर ना जाइए क्योंकि फिर आपको आने में काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन सिर्फ डर, और इसी डर को लेकर के जो मजदूर हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24। तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसे में पहली रात कैसी रही है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन ताजा तस्वीर क्या है, सुबह सुबह क्या हो रहा है, बताने के लिए ग्राउंड से मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपको बता रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन पर क्या तस्वीरें हैं, तो वहीं पल्लवी झा हमारे साथ अस्पताल से जुड़ी हुई है, मणिपाल अस्पताल पर इस वक्त वो मौजूद है। पल्लवी, आपके पास आते हुए रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि समय पर इलाज मिल सके। बताइए कि अस्पतालों का क्या हाल है, मरीजों को इलाज मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की क्या इस वक्त ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जब आप हमारे संवाददाता से बात कर रही थी तो मैं शायद इशारा भी कर रही थी कि मैं आपको लाइव वो तस्वीर दिखा सकूं कि किस तरीके से अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंच रही है लगातार और पेशेंट को लेकर यहां अंदर जाया जा रहा है। ये इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ लंबी कतार लगी हुई है और एम्बुलेंस यहाँ पर हर 2-3 मिनट पर एम्बुलेंस भी लगातार पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त है बेड की कमी को लेकर है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर है। अस्पतालों के पास बेड नहीं है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है और मरने वालों की संख्या दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे अलग अलग राज्यों में देखें तो वहां पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया, एक हफ्ते तक जो है कर्फ्यू लगा दिया है। इससे कहीं ना कहीं कोशिश यही करने की कोशिश होगी कि कोरोना को कर्टेल किया जाए, कर्टेल करके जो एक चेन है उसको ब्रेक कर दिया जाए। लेकिन इस कदम के बाद से हम जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि पलायन शुरू हो गया है तो उसकी वजह से यह खतरा और दोगुना हो जाएगा और ये ही कहीं ना कहीं अब डॉक्टरों और जानकारों के लिए चुनौती बढ़ा देगा, क्योंकि जो अस्पताल की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही हैं ये धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है। लोग यहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिला। सरकार, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो यहाँ पर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं उनमें तकरीबन 10,000 बेड हैं, कम से कम 7,000 बेड की मांग की है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी मांग की है। तो आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 6,177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही है जिसमें दिल्ली को 350 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा, इसके अलावा 1500 मैट्रिक टन महाराष्ट्र को मिलेगा और तकरीबन 800 यूपी को मिलेगा। क्योंकि इस वक्त जो कोरोना का हम देख रहे हैं पैटर्न उसमें लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर हो रही है, सबसे ज्यादा मरीज ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है सरकारों के सामने क्योंकि एक तरफ चीजें नहीं मिल पा रही है पेशेंट को और दूसरी तरफ लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और जो तस्वीरें लगातार कर्फ्यू लगने के बाद से दिखाई पड़ रही हैं वो और चिंता बढ़ाएगी। ऐसे में ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि अगर आप यहाँ से भीड़ बढ़ाएंगे, बिल्कुल पल्लवी, बढ़ते मामलों के बीच चुनौतियां भी बनी है कि कैसे लोगों को समय पर इलाज मुहैया कराया जाए और इसलिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचिए क्योंकि स्थितियां बाहर बहुत खराब है, ऐसे में घर पे रहना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। विनय हमारे साथ जुड़े थे, उनका शुक्रिया। पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थी कि हॉस्पिटल में इस वक्त क्या हालात है, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए न्यूज 24 भी आपसे यही अपील करता है कि इस कोरोना काल में सारे
सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, क्योंकि इस वक्त मात्र यही एक रास्ता है कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24।